पांचवें दिन भक्तों की भीड़ देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा भीड़ है आज। गुरुदेव के भजन में झूमते हुए सभी भक्तजन, ये कथा का व्यासपीठ जहाँ पे बैठकर गुरुदेव कथा का सुनित कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों तो देख सकते हैं आप लोग आज श्री महापुराण कथा जो भिलाई में हो रहा है, जयंती स्टेडियम में पांचवा दिन है, आज भी भक्तों की भीड़ देख सकते हैं आप लोग। रात में मौसम खराब रहता है, बारिश होती, तेज आंधी होते हैं, किंतु दिन में मौसम ठीक हो जाता है और साधुओं जो भी है पूरे श्री महापुराण कथा सुनने के लिए पहुँच पड़ते हैं। देख सकते हैं कि आज भी किस प्रकार से पूरा पंडाल भरा हुआ है, खचाखच कथा पंडाल में बैठे हुए भक्त जनों को देख सकते हैं। इसमें महिलाएं ज़्यादा है, इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो माताएं हैं उनका भक्ति की ओर रुचि अधिक होती है। देखो छत्तीसगढ़ी भजन गाने का हम प्रयास करें थोड़ा थोड़ा, आपको समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो भोलेनाथ जी को समझ में आ जाएगा। बस आप लोग भाव से दोनों हाथों से गुरु महादेव बोला, गुरु महादेव बोला, गुरु महादेव बोला, गुरु महादेव। देख सकते हैं दोस्तों कि गुरुदेव के भजन में सभी जो भी श्रद्धालु गण यहाँ पहुंच गए सभी झूम उठे हैं। पूरा जयंती स्टेडियम जो है पूरा सीमय हो चुका है, सभी भक्तजन पूरा भक्ति में डूबे हुए हैं। देख सकते हैं किस प्रकार से झूमते हुए तो दोस्तों आप लोग ने देखा कि आज कथा का पांचवा दिन है, किस प्रकार से आज कथा हमने सुनी और गुरुदेव के जो भजनों में किस तरीके से झूमे। देख सकते हैं कि पांचवा दिन बहुत ही ज़्यादा भीड़ था। अब चूंकि कथा समाप्त हो गई है तो अब सभी लोग जो भी पास से आए हुए हैं या जो भी दूर से तो सभी उठ रहे कथा पंडाल से जाने के लिए। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों तो पाँचवा दिन का आपको मैं वीडियो दिखाया, झलक दिखाया कि किस प्रकार से गुरुदेव कथा सुनाते हैं, किस प्रकार से भक्त जन पहुंच रहे कथा सुनने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ मेरे को सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।